हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है, और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर ये तीनों आउट ऑफ इंडिया अगर काम करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सेफ्टी सुपरवाइज़र का क्वालिफिकेशन होता है 10वीं या फिर 12वीं, और फिर 12वीं के बाद वो कोई भी एक सेफ्टी का डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर फिर वो सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है कि उसके पास ग्रेजुएशन होता है और साथ ही में सेफ्टी का डिप्लोमा भी होता है, और उसके बेसिस के ऊपर फिर वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करता है। फिर उसके बाद है सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर वो पर्सन होता है कि उसके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, यानी कि उसके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है या फिर डिग्री होती है, और फिर उसके बाद वो सेफ्टी का डिप्लोमा करता है और उसके बेसिस के ऊपर वो सेफ्टी इंजीनियर के लिए अप्लाई करता है। चलिए बात करते हैं इनके ड्यूटीज के बारे में, यानी कि उनके कामों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी सुपरवाइजर का क्या रोल होता है। सेफ्टी सुपरवाइजर को एक पर्टिकुलर लोकेशन दिया जाता है, एक एरिया दिया जाता है, और उस एरिया में ही उसको काम करना पड़ता है। अब काम यानी कि उस एरिया में, उस लोकेशन में उसको सेफ्टी मॉनिटरिंग करना होता है, और मॉनिटरिंग के दौरान अगर उसको कोई भी अनसेफ कंडीशंस हो या फिर एक्ट दिखता है तो उसको वो अपने रजिस्टर में हो या फिर ऑब्जर्वेशन शीट हो उसके ऊपर उसको लिखता है, और फिर उसके बाद उसका फॉलोअप लेता है कि वो ऑब्जर्वेशन क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन संभालना होता है, और साथ ही में जो भी साइट के इंस्पेक्शन होते हैं रिगार्डिंग जो भी सेफ्टी चेकलिस्ट होती है उसको उसको इंस्पेक्शन करना होता है। और साथ ही साथ अगर सेफ्टी सुपरवाइज़र को साइट रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ अगर आते हैं और वो अगर उससे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो उसको भी हेल्प करने की जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद है सेफ्टी इंजीनियर, यानी कि साइट पर अगर कोई टेक्निकल इश्यूज अगर आते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी तो उसको सॉर्ट आउट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी इंजीनियर की होती है, और साथ ही में सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइजर जो है वो सेफ्टी इंजीनियर के अंडर काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, सैलरी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड होता है कि आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, छोटा है या बड़ा है, उस कारणों के ऊपर आपकी सैलरी जो है वो तय होती है। तो अगर हम बात करें फ्रेशर सेफ्टी सुपरवाइज़र की तो उसकी जो सैलरी होती है वो 8,000 से लेकर 12,000 तक होती है। फिर उसके बाद है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में होती है। और फिर उसके बाद है सेफ्टी इंजीनियर, तो उसकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में होती है। और ये जो मैंने सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताया है ये इंडिया की बात, अगर आप फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो। चलिए अब बात करते हैं करियर ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सेफ्टी इंजीनियर जो है उसका करियर ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास टेक्निकल इंजीनियरिंग की डिग्री होती है और उसके बेसिस के ऊपर उसको जो हाइक मिलती है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर सेफ्टी इंजीनियर हो, अगर वो आउट ऑफ इंडिया काम करता है यानी कि गल्फ में अगर काम करता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको सेफ्टी फील्ड में अगर आउट ऑफ इंडिया यानी कि गल्फ में अगर काम करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका मेन क्राइटेरिया ये है कि आपके पास निबोश IGC सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास निबोश IGC सर्टिफिकेट है तो आप इजीली गल्फ कंट्री में काम करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मुंबई में हो, दिल्ली में हो या फिर केरला हो या फिर तमिलनाडु हो, कहीं पर भी जब भी गल्फ कंट्रीज़ के इंटरव्यू होते हैं तो ज़्यादातर वो निबोश सर्टिफिकेट ही मांगते हैं। और अगर आप इंटरव्यू के लिए चले गए और आपके पास निबो सर्टिफिकेट नहीं है और आपके अलावा बाकी दूसरे बंदे के पास निबो सर्टिफिकेट है तो उस पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास निबोस IGC सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपको एडनॉक में अगर काम करना हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एडनॉक की मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, वो भी सेफ्टी फील्ड में, और साथ ही में आपके पास निबो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाकर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर वहां पर काम कर सकते हो।
और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटली अभी एडनॉक में ही काम कर रहा हूँ। और जब मेरा एडनॉक में पहला इंटरव्यू हुआ था तो मुझे सबसे पहले बताया गया था कि आपके पास ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस है क्या, वो भी सेफ्टी फील्ड में, और साथ ही में आपके पास निबोश है क्या। अगर ये मेरा क्वालिफिकेशन उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर मैच करेगा तभी वो मेरा जो CV है वो एडनॉक को फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। और अगर एडनॉक के अलावा आपको दूसरी कंपनी में अगर काम करना है तो आपके पास अगर निबो सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो आप इजीली वहां पर सेफ्टी ऑफिसर करके काम कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र के बारे में। सेफ्टी सुपरवाइज़र जो है वो सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर उसकी रैंक होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में सेफ्टी सुपरवाइज़र काम करता है, लेकिन अगर आप सऊदी अरामको में अगर जाते हो तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है, यानी कि वो उसका सीनियर होता है। अब ये सेफ्टी सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं, तो जैसे कि आप किसी कंपनी में एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हो, जैसा कि मैं सऊदी आर्ची रोडन में काम कर रहा था सऊदी अरामको के साथ में, तो वहां पर अगर मैं उस कंपनी में कंटिन्यू 3 साल के ऊपर एज अ सेफ्टी ऑफिसर करके काम करता हूं तो कंपनी मुझे प्रमोट करके सेफ्टी सुपरवाइजर वहां पर बना देती है, और वो जो सेफ्टी सुपरवाइजर है उसके अंडर में फिर सेफ्टी ऑफिसर को काम करना होता है, यानी कि वो उनके सीनियर बन जाते हैं। और ये भी जो बात है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सऊदी आर्ची रोडन में एज अ सेफ्टी ऑफिसर करके काम किया है और मेरे ऊपर जो सीनियर काम कर रहे थे यानी कि सेफ्टी सुपरवाइजर जो काम कर रहे थे वो सेफ्टी ऑफिसर ही पहले थे, लेकिन 3 साल कंटिन्यू काम करने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और फिर वो सेफ्टी सुपरवाइजर करके काम वहां पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सेफ्टी इंजीनियर के रिक्वायरमेंट के बारे में। सेफ्टी इंजीनियर वो पर्सन होता है कि उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि उसके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, और साथ ही में उसके पास निबोश का सर्टिफिकेट भी होता है, तो उस टेक्निकल क्वालिफिकेशन के जरिए वो HSC इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप डायरेक्ट एडनॉक में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि एडनॉक में काम करने के लिए मिनिमम 3 साल का जो है ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी अगर आप सेफ्टी इंजीनियर के पोजीशन के लिए भी अगर जा रहे हो तब भी आपको ऑयल एंड गैस कंपनी में 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी सेफ्टी फील्ड में, और साथ ही में आपके पास निबोश IGC सर्टिफिकेट भी चाहिए। और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप एडनॉक में एज अ सेफ्टी इंजीनियर काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एडनॉक के अलावा आप किसी भी कंपनी में एज अ HSE इंजीनियर या फिर सेफ्टी इंजीनियर काम कर सकते हो, वो भी उस क्वालिफिकेशन के ऊपर। चलिए बात करते हैं सेफ्टी इंजीनियर के वहाँ पर काम के बारे में। तो सेफ्टी इंजीनियर जो है वो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र का सीनियर होता है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को या फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र को जो भी काम की रिपोर्टिंग है वो सेफ्टी इंजीनियर को करना होता है, और साइट पर अगर जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी इंजीनियर की होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है, वो भी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में, यानी कि गल्फ में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।